हाय, मैं रियल बॉय हूँ। मैं पहले एक्सरसाइज ग्रुप में था, तो ऐसी पर्वत चढ़ने का ट्रेनिंग भी ली थी। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। बस आप देखती रहिए। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ इस बड़े बड़े चट्टान के पर्वत हैं, आपको दिखाऊंगा ऊपर क्या है क्या नहीं है, सब कुछ दिखाऊंगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज ऊपर की नज़ारा देख लीजिए, पर्वत है और उस पर्वत में जो मिले, क्या खाना मिले, खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सब कुछ दिखाएंगे। हम जाएंगे आपको दिखाने के बाद। ये देखिए पूरा कितना अच्छा सा पर्वत है, नीचे देखिए, नीचे से ऊपर पूरा दिखाइए, इतना अच्छा पर्वत दिख रहा है ना। उधर गुफा भी हो सकता है। हम आज उस रात में रहने के लिए कुछ इस्तेमाल करूंगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस तो हम आ गए हैं पर्वत के नीचे और उस तरफ 500 फुट 1000 फुट होगा ऊपर चढ़ने के लिए। बस हम नीचे से अभी चढ़ना शुरू करेंगे। बस हमारा बारिश के मौसम है, मिट्टी भी थोड़ा गीली है और ये इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्वत से पत्थर ही पत्थर है, चट्टान। लेकिन हम सावधानी से आगे ऊपर चढ़ेंगे। ये इस तरफ ये एक भी पत्थर, हम इस बीच में, हम पत्थर बीच में हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप पैर ठीक से पत्थर के ऊपर रखना चाहिए, फिसल जाएगा तो आप गिर जाएंगे नीचे। लेकिन ये पर्वत की चट्टान है, ये हम अच्छी से चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप गिर के आपका हड्डी भी टूट सकता है। इसलिए आप अच्छे से ऊपर आ जाइए। ये वाला मैं तो ऊपर ही अभी पत्थर से निकल आए हैं ऊपर। लेकिन उस तरफ हम खतरे के जंगल पहुंच गए हैं और आगे भी, तो हम जंगल के बीच भी आ गए हैं और पर्वत तो एक सौ की मौसम है, अभी बारिश भी आ रहा है। लेकिन हम एक गुफा ढूंढेंगे, गुफा के अंदर हम रुकेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश, अब हम गीले हो जाएंगे तो हाइपोथर्मिया भी हमको हो सकता है। आ गए हैं एक चट्टान के ऊपर। लेकिन जंगल से घूमने से पहले हम लाए हैं एक ग्लव्स, ग्लव्स का लगाएंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे। हम ग्लव्स लगाएंगे, लेकिन जंगल से पहले जाने से आपके पास ग्लव्स है तो लगाइए, तो हम ये ग्लव्स लगाएंगे, उसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन और होगा कितना, 300 फुट होगा ऊपर जाने के लिए। हम तो अभी 250 फुट आ गए हैं ऊपर, तो हम ये वाला लगाएंगे। बस हम दूसरा वाला भी लगाएंगे, हमारा ग्लास भी पहना हो गया, हम अभी ऊपर जाएंगे। ये देखिए पूरा हो गया ग्लव्स। बस हम ये हमारा हैंडपंप पकड़ेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। लेकिन एक नीचे एक गुफा है, गुफा के अंदर क्या है आपको दिखाएंगे। बस हो गया रेडी। ये गुफा है नीचे, रहने के लिए भी हो जाएगा, लेकिन जितने भी बारिश होगा यहाँ पर पानी आपके ऊपर नहीं गिरेगा, पूरा सूखा है। नीचे की तरफ दिखाओ, ये पूरा सूखा है। हाँ, हम नीचे जाएंगे, लेकिन सावधानी से गुफा के अंदर जाना, नहीं तो जंगल में कहीं शोर होता होगा तो आपको भी अटैक कर सकता है। लेकिन देखिए ये रात बिताने का सही जगह है, नीचे नीचे आ जाइए। ये देखिए पूरा, ये अच्छा जगह है रात बिताने के लिए, सही जगह है, एक गुफा है। देखिए पूरा जितने भी बारिश होगा, एक महीना भी बारिश होगा, लेकिन यहाँ से आप अच्छा से रहेंगे, पानी भी नहीं गिरेगा। यह रात को बिताने के लिए सही जगह है, हम कोशिश करेंगे रहने के लिए इधर रात। लेकिन हम ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा पूरा। ये देखिए बस यहाँ पर बिस्तर लगाओ अच्छे से, इधर आग लगाओ, खाना जो मिल जाएगा इधर। तो हम गुफा पर अब देख लें, हम यहाँ पर एक जंप लगाएंगे, पूरा ऊपर चढ़ेंगे। ये हो गया, हो गया। ये अभी बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो गया, लेकिन ये पत्ता थोड़ा गिला हो गया, लेकिन अभी बारिश खत्म हो गया। ये एक और गुफा भी मिल गया, लेकिन गुफा के अंदर मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आप दिखाएंगे क्या खाना मिलेगा, ये नहीं तो हम भूखा भी मर जाएंगे। लेकिन तो हम
400 मीटर ऊपर आ गए हैं और 200 मीटर होगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन मुझको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लग रहे हैं। बस ऊपर पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे पीने के लिए। देखिए ये सूखा चट्टान है, ये गिल्ली है, लेकिन हम प्यास ज़्यादा लग रहे हैं तो हम पीने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इस चाकू से हम पानी लाएंगे। बस ये हो गया, लेकिन आप जान बचाने के लिए भी इधर आप ऐसे पानी पीना पड़ेगा कि गले को गिल्ला करने के लिए, तो ये भी गिल्ला करने के लिए ये भी आप ये भी ऐसे भी देखिए, ये देख पानी हो गया ना, मैं इसी पानी को हम पियेंगे, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लग रही है। ये देखिए अच्छा पानी पीने को मिल रहा है। जान बचाने के लिए ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जहाँ भी मिल जाए आप पी सकते हैं, लेकिन आप पहले जान बचा। तो ये देखिए आप, ये बारिश के मौसम ये छोटी सी झरना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिर रही है। अभी पूरा हमारे प्यास बुझाने के लिए सही तरीके से पानी भी नहीं निकल रहा है, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे, आगे भी होगा इसी तरह झरना। बस हम ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे, ये ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा आप पर्वत के ऊपर चट्टान के ऊपर चढ़ रहे हैं तो फिसलन भी हो रहे हैं, तो हम अच्छे से चढ़ेंगे यहाँ से ऊपर। जब भी चट्टान ऊपर चढ़ेंगे क्यों अब तो जब भी चढ़ रहे हो तो आप यहाँ से तो आप अच्छे से चढ़ेंगे कोशिश करके, लेकिन ऊपर स्नेक हो सकता है। आप ऐसे चढ़ेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे ऊपर स्नेक, आपको डसने के लिए पूरा तैयार रहेगा। आप ऐसे चढ़ेंगे तो आप ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर आपको स्नेक भी अटैक कर सकता है। लेकिन आप जब भी चढ़ेंगे चढ़ रहे हैं बस ऐसा पहले देख लीजिए, उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। अभी से भी है 150 फुट होगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन आप कैमरामैन ऊपर भी देखा है 150 मीटर होगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, आप शहर बाजार गांव में जब पान खा रहे हैं ना, ये पान की जैसा पत्ता है। आप जूम कीजिए थोड़ा, ये देखिए पान की जैसा पत्ता है, लेकिन ये जंगली पान है, लेकिन हम ये दिख रहा है लेकिन पान की जैसा अच्छा टेस्टी नहीं दे रहा है, तो ये जंगली पान है। बस ये बारिश थोड़ा हो गया, लेकिन ये फिसलन हो रहा है, लेकिन थोड़ा अरे यार ये ऊपर तो कोशिश नामुमकिन हो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने के लिए। लेकिन ये मेरा पैर भी थोड़ा मिट्टी से कीचड़ भर गया है, लेकिन ऊपर जाने के लिए मैं आप ऊपर चढ़ेंगे तो पूरा कुदरती के सहारे आप ऊपर चढ़ना चाहिए। ये सूखे लकड़ी को पहले हम हटा देंगे, बस ये पैर यहाँ से जमा लो, लेकिन यहाँ से फिसल लो तो ऊपर ऐसे सकते, लेकिन इसी चट्टान ऊपर चढ़ने के लिए आपकी अंदर ताकत होना चाहिए। ये कितना ऊपर मैं आ गया हूँ, 20 फुट होगा नीचे, लेकिन हम ऊपर तो आ गया। ये देखिए अभी 400 मीटर ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन ये इधर पेड़ ज़्यादा है और बारिश के मौसम में भी ज़्यादा धूप हो रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बैठेंगे, बस आपको दिखाएंगे। ये पेड़ है ना, इसी पेड़ के नीचे एक पटाटू मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे पटाटू मिल जाए तो अच्छा होगा खाने के लिए, तो हम यहाँ से कोशिश। ये देखिए ये आलू जैसा खाने के लिए हम देखेंगे खाने, ये सही है ना गलत है, तो ये देखिए जंगल का एक फल है, लेकिन जंगल के आलू जैसा है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे। ये देखिए बस आलू की जैसा लग रहा है, लेकिन जंगल का फल है ना, इसीलिए थोड़ा खट्टा भी लग।
यहाँ पर शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कड़ी धूप है, बारिश के मौसम तो है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धूप आ रही है, तो आपको डिहाइड्रेशन होने के बाद आप सर चकराएगा, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, लेकिन आप पैर भी संभाल नहीं पाओगे। लेकिन डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ जाइए, फिर आगे बढ़िए। तो हम इस तरफ जाने के लिए तो रास्ता नहीं है, बस हम दूसरी तरफ देखेंगे जाने के लिए, इस तरफ जाएंगे। इधर पानी भी नहीं मिला, लेकिन आप पर्वत भी अब भी ऊपर चढ़ेंगे तो प्यास भी ज़्यादा लगेगा। तो ये नीचे भी हम प्यास थोड़ा सा बुझाई थी, लेकिन यहाँ पर भी हम प्यास बुझाएंगे। जान बचने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपकी जबान लगाइए और उसके बाद उसको पीने के लिए तो कोशिश करें। पीने के लिए सही होगा, थोड़ा सा तो मिल जाएगा पानी, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है पीने के लिए, लेकिन जान आप देख रहे हैं ना, पूरा हम ऊपर आ गए हैं और 50 मीटर होगा ऊपर जाने के लिए। वहाँ से हम नीचे की तरफ दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे। बस हमको प्यास लग रहे हैं तो हम पानी भी मिल रहा नहीं रहा है, तो हम कोशिश करेंगे अपने प्यास को भी पीने के लिए पी सकते हैं। तो अब देखते जाइए, आप जंगल की रास्ता नहीं तो पहाड़ की रास्ता कभी भी भटक सकते हैं, लेकिन आप जहाँ भी जाइए जंगल के रास्ते में पहले थोड़ा थोड़ा पेड़ काट लीजिए, पत्ता काट लीजिए, बस ऊपर जाएंगे तो आप भ्रम हो सकता है लेकिन वापस आने के लिए सही रोड से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ गलती मत करना कि घूम जाए। ये देखिए हमारा बदन भी गीला हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर से मधुमक्खी की बांस है, हम उसको खाने के लिए कोशिश करेंगे। ज़्यादातर हमको प्यास लग रहा है, लेकिन उधर मधुमक्खी है, हम कोशिश करेंगे खाने के लिए। तो हमारा कैमरा टीम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, बस खाने के बाद हम घर जाने के लिए उस तरफ जाएंगे, मिल जाएगा तो हम घर जाएंगे। लेकिन आप देखते रहिए और मधुमक्खी की बांस है, थोड़ा जूम कीजिए वो वाला दिखाइए, बस आप चलते रहिए हमारे साथ। ऐसे पैर को ऐसे संभाल कर रखेंगे, इसके बाद ऐसे बस फिर पैर इस तरफ, इस तरह हाथ इस तरफ, तो हम पूरा आप देखिए ऊपर मध शहद की बसा है, लेकिन हम ऊपर तो आ गए हैं, कोशिश करेंगे खाने के लिए, बस और थोड़ा ऊपर जाएंगे। देख रहे हैं ना हम मधुमक्खी बांस को भाग रहे हैं, तो हम आप तो मधुमक्खी की बांस तोड़ रहे हैं ना, पहले से आप सारे मधुमक्खी की बात होगा तो देखेंगे तो आपको अटैक कर सकते हैं, अटैक करने के बाद आप जान जा सकते हैं, इसीलिए गिर गया। ये देखिए मधुमक्खी की बात है, लेकिन यहाँ पर शहद नहीं है, थोड़ा मिल सकता है लेकिन हमारा प्यास ही बुझ जाएगा। लेकिन ये देखिए पूरा अच्छा है, आप देख लीजिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बस ये तो ये थोड़ा अच्छा हो, लेकिन तो सेहत नहीं है, नमक जरा है। हमारा कैमरे मैन भी खाएंगे, ये देखिए मेरा आज खाने के लिए सही हो गया, हम आज खुश हो गए हैं, बस हम अभी घर जाएंगे। ये देखिए है ना, ये छतरी के लिए भी काम आएगा, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नमक है, शहद नहीं है, तो हम हमारा प्यास ही बुझ जाएगा। लेकिन ये भैया एक गर्मी भी हो गया कुछ उतरने के लिए, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए ये खा भी सकता हूँ। ये और सारा मधुमक्खी भी है, ये हमारा खाने के बाद हमारा पिसा भी बुझ गया और हमारा भूख भी मिट गया, लेकिन ये हम अभी कैमरा मैन को देंगे खाएंगे, नहीं तो हम घर ले जाएंगे। घर लेने के बाद ये भी आपकी दवाई भी हो सकता है। बस हम रहते हैं और उस तरफ गांव है, कैमरा मैन उस तरफ दिखाइए, ये देखिए आप शहरी के नजरा है, हम उस तरफ आ गए हैं, देखिए ये पूरा अच्छा सा, हम इधर घर जाएंगे। बस यहाँ दिखाइए, यहाँ थोड़ा दिखाइए, जूम कीजिए। और भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए,
आप ऐसी सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो मैं जब भी वीडियो डालेंगे तो पहले आपका नोटिफिकेशन जाएगा। हमारा वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए।